ओंकारेश्वर में आदि गुण बाविसा ब्राह्मण समाज के कम परिवार होने से महत्वपूर्ण तीर्थ में समाज धर्मशाला निर्माण नहीं हो सका है। हालांकि इसके लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था, जो बीच में शिथिल पड़ गया। एक बार फिर समाज के लोगों ने एकत्रित होकर इस धर्मशाला के निर्माण का बीड़ा उठाया है। समाज के प्रयासों से वर्ष 2010 में धार निवासी स्वर्गीय गणेश दत्त शर्मा पारमार्थिक ट्रस्ट के द्वारा भवन निर्माण किया गया था। गतिविधियां वर्षों से बंद होने के बाद 2020 में केंद्र की बैठक ओंकारेश्वर में आहूत की गई। शाखा को केंद्र में शामिल किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण गतिविधियां बंद रही। शनिवार को केंद्र के साथ बड़वा सनावत के समाज जनों ने धर्मशाला निर्माण में तन मन धन से सहयोग देना प्रारंभ किया। सोशल मीडिया पर सहयोग की बात सुन किसी दानदाता ने 25,000 रुपये समाज हित में दिया और सहयोग राशियों का आना प्राप्त हो गया। धर्मशाला निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में सभी के सहयोग से युवा वाहिनी महिला मंडल कार्य में जुट गया। आज दिनांक को तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर आदिगोड़ बाविसा ब्राह्मण समाज शाखा ओंकारेश्वर द्वारा बैठक आहूत की गई। इसमें सनावत बड़वा एवं केंद्र के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। ये बैठक ओंकारेश्वर में आदिगोड़ बाविसा ब्राह्मण समाज की धर्मशाला नहीं थी, अथक प्रयासों से धर्मशाला का निर्माण पंडित गणेश दत्त जी शर्मा धार के द्वारा किया गया और किसी कारणवश कार्य में रुकावट आ गई, तो जो कार्य अधूरे हैं उसके लिए आज उसमें निर्माण कार्य के लिए आज तय किया गया है और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी ने संकल्प लिया। और इसी कड़ी में भाई ललित जी दुबे द्वारा व्हाट्सएप पर इसकी सूचना दी गई थी, तो एक दानदाता द्वारा गुप्तदान भी प्राप्त हो चुका है और ये कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सामाजिक बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि वे भी तीर्थ नगरी में बनने वाली धर्मशाला में के निर्माण कार्य में अनुदान अवश्य देवे और इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग प्राप्त हो। दोपहर न्यूज़ के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।